हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उसकी पूजा किया करते थे, आज वही लोग उसकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर होना चाहिए, बाबा में कोई सिद्धि नहीं है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इतने बड़े चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा आधार ना रोक सकते वो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई, किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से माँ की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है, ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है, इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। जिस सामने और आया आना चाहिए तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है, बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है, अगर प्रशासन ने वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए थे वहाँ पर। अगर प्रशासन देखता वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, दो चार डंडे मार देता, उससे जे इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते, हाथ पैर टूट जाता, उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना, प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है। हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सबके एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग हैं सब बंद होने चाहिए। दरअसल हाथरस कांड में बाबा नारायण हरि के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का मानना है कि बाबा नारायण हरि की वजह से 121 लोगों की जान गई, तो फिर बाबा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग मानते हैं, जब भी तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई कोई मदद करें, गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई, अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं उनसे, जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई, उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दे। वो जिसके हाथ या पैर टूटा, चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो, किसी का हाथ पैर टूटा उसी को सही कर दे वो। तो दूसरी तरफ हाथरस घटना की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। SIT की जांच में आयोजकों की बड़ी लापरवाही को वजह माना गया। आयोजकों की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश की गई। तैनात पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब हुए, 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए, यानी पुलिस की जांच आयोजकों की लापरवाही की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लोग बाबा को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।